वो देखो, वो रहा ब्रह्मा कमल। अरे संभल के, वो पुल बर्फ से बना है। हा? शहर के मजबूत पुलों से ज्यादा तो ये वाला मजबूत होगा। तुम जानती हो ना, तुम पागल हो। मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? अरे घबराती क्यों, चलो फिर से कोशिश करते हैं। मैं हूं ना, चलो कोशिश करो। मैंने कहा ना, नहीं गिरो, घबराओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराती क्यों? मैंने कहा ना, मुझे। अगर इस बार फूल नहीं तोड़ा ना तो तुम नहीं गिरोगी, मैं गिरा दूंगा। चलो जाओ। हर कदम पर रुकावट आ रही है, लगता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी मोहब्बत के सामने तो हीरा भी फीका है। मधुरी कहाँ है? मालूम नहीं गुरुजी, कल रात से उसका कोई पता नहीं है। जाओ जल्दी ढूंढो उसे। जल्दी आओ, मंदिर बंद होने वाला है। दादाजी इसी खतरे के बारे में कह रहे थे। अगर मरना नहीं चाहता तो लड़की को हमारे हवाले कर दे। जो भी कहेगा सोच समझ के कहना, वरना जिंदा नहीं लौटेगा। अलकनंदा, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। इसी वक्त मंदिर जाकर फूल चढ़ा दो, जो बीच में आएगा उसका सामना मुझसे होगा। जाओ। Yeah.
मंदिर में जाओ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? अगर इनके साथ गई तो ये मुझे आने नहीं देंगे। तुम वादा करो 6 महीने बाद दर्शन कराओगे तभी जाऊंगी। बद्रीनाथ की कसम है, सिर्फ ये क्या इसकी साथ पुश्ते भी आ जाए तो भी एक एक को खत्म करके 6 महीने बाद बद्रीनाथ के दर्शन तुम्हें मैं खुद कराऊंगा। वादा करता हूँ, जाओ। अपने अपने फूलों पर नाम लिखिए। आपने जो मन्नतें ज्योति का दर्शन करके मांगी हैं, ठीक 6 महीने बाद इसी ज्योति का दोबारा दर्शन करके आपकी वो सारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। अब तक मुझे किसी भी भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब पूरे मन से आप पर भरोसा कर रही हूँ। बस किसी भी हालत में बद्री से मेरी शादी करवा दीजिए। प्रभु, तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ। बद्री को तक्षशिला का वारिस बना के मेरी इच्छा पूरी करो भगवान। इस तरह इसको हराना मुमकिन नहीं है, इसकी कमजोरी भगवान है। Yeah!